क्या हम अभी तक शिमला में हैं? अच्छा, तभी हमें ऐसे नज़ारे मिल रहे हैं। चलिए आगे जाके देखते हैं कि हम कहाँ पे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम आ चुके हैं ग्रीन वैली में, जो कि शिमला से 12 किलोमीटर दूरी पे है। हम लोग अभी कुफरी जा रहे हैं और कुफरी जाने के टाइम ये ऑन द वे आता है ग्रीन वैली। कितने खूबसूरत नज़ारे हैं ये देवदार ट्रीज, पाइन ट्रीज के चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, ऊपर और नीचे सिर्फ और सिर्फ पेड़, ये हरी भरी वादियाँ। बस इसे रुकने के लिए हर एक सैलानी जो भी इस रास्ते से गुजरते हैं इसे अपने कैमरे पे कैप्चर करना चाहते हैं। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। ग्रीन वैली से निकल के हम कुफरी के एक और पॉइंट में जा रहे हैं। कुफरी एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो कि शिमला से 18 से 20 किलोमीटर दूरी पर है। हमने अपना जो होम स्टे है शिमला, जो मेन शिमला में था, वो हमने उस वहाँ से चेकआउट कर लिया है और अभी हम कुफरी की तरफ जा रहे हैं। और कुफरी से आगे हम एक और जगह में जाने वाले हैं जहाँ पे कि हमारा स्टे रहेगा, वो आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। फ़िलहाल आप इस नज़ारे को एंजॉय कीजिए। तो फाइनली हम कुफरी के एक पॉइंट में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम लेने वाले हैं हॉर्स राइड कुफरी के पीक पे जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे रास्ते बहुत ख़राब है तो गाड़ियाँ नहीं जाती है, तो हमको एक हॉर्स राइड लेना ही पड़ेगा। ये देखिए, ये फौजी पॉइंट है जो फौजी भाई लोग हमें समझाएंगे कि कहाँ कहाँ पे जाना है, एडवेंचर्स लेने हैं या नहीं लेने हैं। हमने हॉर्स राइडिंग का पैकेज ले लिया है। अभी हम जा रहे हैं कुफरी के वो पॉइंट तक जहाँ पे हमको घोड़े पे बैठ के ऊपर तक जाना है। रास्ता बहुत ही ख़राब है और इसीलिए संभल के जाइएगा। वैसे हॉर्स पे जाने से कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको सेफली लेके जाते हैं, पर हाँ, जो लोग नए हैं उनको थोड़ा डर तो लगेगा ही, क्योंकि रास्ते बहुत ही रफ़ है, पथरीला रास्ता है। और मैं ज़्यादा वीडियो शूट भी नहीं कर पाई उन रास्तों का, क्योंकि मेरा जो कैमरा है और मेरा जो मोबाइल है वो गिर जाएगा हाथ से घोड़े पे बैठने के बाद। तो जो रखवाले हैं घोड़े जो सवारी जो गाइड है हमारे, उन्होंने बोला कि आप मोबाइल या कैमरा मत पकड़िए क्योंकि वो हाथ से गिर जाएगा। तो हम बस बैठ के यहाँ से निकल जाएंगे।
हम आ गए हैं कुफरी के एप्पल गार्डन में। यहाँ पे चारों तरफ आपको एप्पल गार्डन, एप्पल ऑर्चर्ड्स दिखेंगे। एप्पल अभी जून के महीने में बहुत ही छोटे छोटे हैं। फिलहाल एप्पल बड़े नहीं हुए हैं, बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के हैं अभी एप्पल शिमला में। कुफरी हुआ, शिमला के आगे जितने भी आपको एप्पल्स दिखेंगे बहुत ही छोटे साइज़ में हैं। तो ये जो नेट लगाया हुआ है वो बारिश और स्नोफॉल से बचने के लिए, यहाँ पर ओले भी गिरते हैं, जो ओले पत्थर होते हैं बारिश के टाइम वो भी गिरते हैं, तो उससे बचने के लिए ये नेट लगाया गया है। कुफरी में एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं, जैसे जिप लाइन हुआ, या स्टार्टिंग के वीडियो में आपने देखा रहेगा जो फौजी भाई जो समझा रहे थे कि आप एडवेंचर भी बुक कर सकते हैं जब आप यहाँ पे आए। ध्यान रहे ये जून का महीना है, इसीलिए आपको यहाँ पे साफ वेदर, क्लियर वेदर दिख रहा है। आप विंटर्स में आएंगे तो ये पूरी की पूरी जगह स्नोफॉल से भरी रहती है। एप्पल छोटे छोटे हैं ना, बहुत ही टाइनी। Don't you know?
तो हम कुफरी से बाहर पार्किंग के तरफ आ गए हैं और हमें यहाँ पे देखिए छोटे छोटे एप्पल्स और ये चेरीज, हमने चेरीज ले लिए हैं ऑलरेडी, चेरीज और एप्रिकॉट्स, पीचेस, बहुत सारे चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हमने अपने लिए चेरीज ली है फ़िलहाल, क्योंकि हमारा हिमाचल का ट्रिप अभी भी बाकी है, तो हम इतना जल्दी एप्रिकॉट लेके उसको ख़राब नहीं करना चाहते, पर हमने चेरीज तो पैक कर ही लिए हैं। तो इसी के साथ हमारा कुफरी का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। हम अब जाएंगे कुफरी के आगे, हमारा जो नेक्स्ट स्टे है वहाँ पे, ये कुफरी से जस्ट 2-3 किलोमीटर ही दूर है आगे, वहाँ पे जाके हम स्टे करेंगे। आप बने रहिए मेरे चैनल पे, मेरे ब्लॉग पे, और इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।